नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। पेश है कुछ ताजा खबरें। कमला मेल अग्निकांड में उठी सीबीआई जांच की मांग। लोअर परेल स्थित कमला मिल परिसर में हुए अग्निकांड में झुलसे एक परिवार के सात सदस्यों की ओर से मुआवजा मांगा गया है और सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। परिवार ने मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की है, जिसमें कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से याचिका में संशोधन और सीबीआई जांच के मांग के लिए उचित तर्क देने को कहा है। हिमाचल प्रदेश के कंगाड़ा में खाई में गिरी स्कूल बस, 27 बच्चों सहित 30 लोगों की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश के कंगाड़ा जिले में वजीर राम सिंह पठानिया मेमोरियल स्कूल की बस चेली गांव के पास 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 27 बच्चों समेत 30 लोगों की मौत हुई है और एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। शनिवार को भी चल सकती है मुंबई एसी लोकल। पश्चिम रेलवे उपनगरी पर चलने वाली देश की पहली एसी लोकल में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए अब रेलवे इसे शनिवार के दिन भी चलाने की योजना बना रहा है। कामकाजी दिनों में यात्री औसतन 1000 प्रति चक्कर से ज्यादा नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में सप्ताह में एक और दिन चलाकर इसे लोकप्रिय बनाने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के अनुसार अगले महीने से यह लोकल शनिवार को भी चल सकती है। पुणे बेंगलोर हाईवे में ट्रक पलटने से हुआ हादसा, हुई 15 लोगों की मौत। उत्तर महाराष्ट्र के सतारा जिले में खाटाबंदी बोगदे के पास पुणे बेंगलोर हाईवे पर मंगलवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि मजदूरों से भरा ट्रक बीजापुर से पुणे की तरफ आ रहा था कि तभी ट्रक ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा, जिससे ट्रक डिवाइडर से टकरा कर पलट गया। इस हादसे में कई महिलाओं समेत 17 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 15 अन्य जख्मी हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिव्यांग वाले डब्बे पर चढ़ने वाले अवैध यात्रियों के खिलाफ जारी है जीआरपी और आरपीएफ की कार्रवाई। पश्चिम रेलवे द्वारा दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित डिब्बों में अवैध रूप से यात्रा करने वालों के विरुद्ध नियमित अभियान की शुरुआत की गई है। वर्ष 2017 के दौरान कुल 39,000 से ज्यादा व्यक्तियों को तथा वर्ष 2018 में 10,000 से ज्यादा व्यक्तियों को दंडित किया गया। दिव्यांगों के लिए आरक्षित कोच में अवैध रूप से यात्रा करने के विरुद्ध आरपीएफ तथा जीआरपी द्वारा हाल ही में सप्ताह भर चलने वाला एक विशेष अभियान चलाया गया। दिव्यांग डिब्बों में अवैध यात्रा करने वाले दोषियों को पकड़ने हेतु पर्याप्त संख्या में जीआरपी आरपीएफ कर्मी तैनात किए गए थे। चलाया गया विशेष अभियान पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रविंद्र भाकर के अनुसार अभियान के दौरान दिव्यांगजनों के अधिकार एक्ट 2016 के अंतर्गत जीआरपी द्वारा 350 व्यक्तियों को, रेल अधिनियम 1989 के अंतर्गत आरपीएफ द्वारा 995 व्यक्तियों को पकड़ा गया। इस प्रकार संभावित क्षेत्रों और उनकी प्राथमिक पहचान के पश्चात अपराधों को रोकथाम और पड़ताल के लिए आरपीएफ की विशेष डिकॉय टीमों को तैनात किया गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए तहलका न्यूज़।